खबर भी आ रही, राइट टू हेल्थ बिल विरोध से जुड़ी यह खबर है। संपूर्ण बंद में शामिल चिकित्सा कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश, मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सौंपी जिम्मेदारी, विभाग के संयुक्त सचिव इकबाल ने जारी के निर्देश। सभी चिकित्सक अन्य स्टाफ के अवकाश निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर दिन सभी मेडिकोज की उपस्थिति की सूचना विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, एक बड़ा ये देखा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है कार्रवाई में और क्या कुछ कहा गया है? तमाम डॉक्टर्स की तरफ से भी दिन में एक प्रेस वार्ता भी की गई, उसमें स्पष्ट कहा गया कि तमाम जो सरकारी डॉक्टर्स हैं या अन्य संगठक जो है, मेडिकल टीचर्स की बात करें, जो मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े हुए थे उनकी बात करें, वो सब शामिल होने वाले हैं। तो संभवतः उसी को देखते हुए, क्योंकि सुबह जो राजस्थान न्यूज से बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा, उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी सूरत में मरीजों को परेशानी नहीं आने देंगे। तो उसी का एक लगभग रसम देखने को मिल रहा है कि संपूर्ण बंद के अंदर जो भी शिक्षा कर्मी शामिल होगा उनके लिए ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तमाम मेडिकल कॉलेज के, जो भी राजस्थान भर के मेडिकल कॉलेज है, उनको शिक्षा विभाग ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी चिकित्सकों के और अन्य स्टाफ के जो अवकाश है उनको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि कल सामूहिक अवकाश का ऐलान किया गया था। ये अरिजा की बात करें या दूसरे संगठक की बात करें, सामूहिक अवकाश का डिसीजन लिया गया था, और निजी डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये हमारे समर्थन में उतरेंगे, और उसी को देखते हुए ये आदेशित कर दिया गया, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी चिकित्सकों के और जो दूसरा स्टाफ होता है उनके अवकाश निरस्त किए जाते हैं, और हर मेडिकोज की जो उपस्थिति है उसको सूचना विभाग के द्वारा उसको जो मुख्यालय होता है वहां भेजना होगा, उनका संबंधित जो अधिकारी होता है उनको भेजना होगा, और अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कार्मिक की विशेष परिस्थिति होती है, तो उसकी अनुमति उस मेडिकल प्रिंसिपल से लेनी होगी, प्राचार्य से लेनी होगी। यानी कि कल के महाबंद को देखते हुए राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल आशुतोष, ये देखा जा रहा है कि सख्ती अब बरतने की बात सामने आ रही है, और इस तरह से ऐसा ना हो कि जहां नाराजगी डॉक्टर्स की बनी हुई है तो वहीं अभी तक टेबल पर बात करने की सरकार पूरी तरह से न्योता भी दे रही थी, बातचीत भी हो रही थी, ना हो कि नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, ये निजी डॉक्टर्स का आंदोलन है, निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर है, अब उसमें कितना समर्थन मिलना चाहिए सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से ये उनका व्यक्तिगत फैसला होता है, जनता की परेशानी ना हो इसकी हर संभव कोशिश सरकार कर रही है। जहां तक बातचीत की बात है तो आज एक बार फिर से जब सवाल पूछा गया निजी डॉक्टर्स के, तमाम जो एसोसिएशन आज प्रेस वार्ता में मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि हमें सक्षम स्तर पर वार्ता चाहिए और सीएम अशोक गहलोत से ही वो वार्ता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत होती है तो हम बैठ के टेबल टॉक करने को तैयार है, क्योंकि बिल को लेके किसी भी तरीके का निर्णय लेने का जो अधिकार है वो एकमात्र मुख्यमंत्री के पास है, इसके अलावा हम किसी से वार्ता नहीं करना चाहते। आशुतोष, ऐसे में जो है कार्यवाही की बात भी आ रही है, अभी हमने अमरा राम को भी सुना, उन्होंने भी यही कहा कि जाहिर तौर पर अब कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि ये उसी के बाद जो है कड़ा कदम उठाया जा रहा हो, क्योंकि अब मांग होने लगी थी कि कुछ सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे मरीजों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। देखिए, जहां तक सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो हर सार्वजनिक मंच से इस बात को कह चुके हैं कि डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करनी चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, गतिरोध जो है वो टूटना चाहिए, और जो भ्रांति उनके दिमाग में है इस बिल को लेके उसको दूर करना चाहिए, किसी भी तरीके के जो भ्रामक प्रचार है इस बिल को लेके उसमें नहीं बिल्कुल बिल्कुल हर सार्वजनिक मंच, ये जो भ्रामक प्रचार है ये नहीं फैलने चाहिए, और जो है डॉक्टर्स को भी अपने धर्म को याद रखना चाहिए, तो वही है, ऐसे में उनकी मांगों पर भी टेबल पर बातचीत होनी चाहिए। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।